हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे जीके के की बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक। और ट्रिक ये ऐसी है कि ये जो मैं आपको बताऊंगा, आपको पता तो सबको होगा, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन गलत करके आते होंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप लोग में से काफ़ी लोग को ये आता भी होगा, लेकिन इसमें एक्चुअली कन्फ्यूजन होती है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको मैंने ट्रिक बनाई है, बहुत ही आसान ट्रिक है, उम्मीद आप सभी को पसंद आएगी। और अगर आप इसको एक से दो बार इस ट्रिक को लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे और रिवाइज़ कर लेंगे, तो आपका एक नंबर तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो क्वेश्चन जो आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, लगभग सभी एग्ज़ामों में आता है, फिर भी आप लोग गलत करके आएंगे और 99% लोग सही करके आएंगे। तो आपको उस 1% में नहीं शामिल होना है, उसी के लिए मैंने ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें लिखा है पीजी रस्ते में। ठीक है, एक है पीजी, एक है आर, एक है एम। तो आपको पता है पीजी क्या होता है? पीजी होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, पेइंग गेस्ट। ये तो बहुत सिंपल सी बात, आप सभी लोग रहे होंगे या आगे रहेंगे या फिर अभी रह रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तो पीजी आप समझ गए। ठीक है, पीजी क्या होता है? ठीक है, तो पीजी रस्ते में, आप कहीं चल रहे हैं, रास्ते में कोई पीजी है, तो आप ये कह रहे हैं कि पीजी रस्ते में है। अब ये है कैसी ट्रिक? ठीक है, किस चीज़ की ट्रिक है? देखिए, ये एज से रिलेटेड ट्रिक है कि प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, एमएलए की, एमपी की, राज्यसभा के मेंबर की, इन सब की एज क्या होगी? क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये बताइए कि मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर गवर्नर। जैसे अभी यूपी टेट का पेपर हुआ था कुछ दिनों पहले, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नर की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। तो काफ़ी लोग इसको नहीं कर पाए थे और कुछ लोग को पता होगी, लेकिन वो कन्फ्यूजन में गलत करके आ गए होंगे। आपने भी कभी ना कभी क्वेश्चन गलत किया होगा, नहीं किया तो इसका आगे ज़रूर करेंगे, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें है क्या। ठीक है, चलिए देखिए पीजी से क्या है। ठीक है, पी जो है, पी डिनोट करता है प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए हम लोग पी का सिंबल यूज़ करेंगे। अब आप पूछेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपने पी का सिंबल यूज़ क्यों किया, तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट के अंदर भी प्रेसिडेंट शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ठीक है, और प्रेसिडेंट तो खुद प्रेसिडेंट है, इसलिए हम लोग पी से जो डिनोट कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को ही डिनोट कर रहे हैं। जबकि जो जी है, ये है गवर्नर, गवर्नर डिनोट कर रहा है सिंपल गवर्नर को। तो पी से क्या हो गया? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और जी से हो गया गवर्नर। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की जो एज होती है मैक्सिमम, वो मिनिमम जो एज लिमिट, वो एज होती है टू बी क्वालिफाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, वो 35 ईयर्स होती है। ठीक है, अब आर क्या डिनोट करता है? आर डिनोट करता है मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के लिए एज होती है, वो होती है 30 साल। और लास्ट है एम। एम क्या डिनोट करता है? एम डिनोट करता है एमपी या फिर एमएलए। तो अगर आपको लोकसभा जानना है या विधानसभा जाना है, विधानसभा कहते हैं जो स्टेट में होती है, लोकसभा कहते हैं जो इस सेंटर में होती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो विधानसभा राज्यसभा के लिए जाने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? 25 साल। तो क्या आपको अब कैसे याद करना है कि पीजी रास्ते में स्टार्ट मतलब हायर से लोअर की तरफ आपको जाना है, सबसे पहले 35, 5 कम करिए 30, 5 कम करिए 25। ठीक है, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि ये बताइए राज्यसभा जाने के लिए कितनी एज होती है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, सिंपल याद रखिए पीजी रास्ते में, और सबसे पहले सबसे हाईएस्ट नंबर आएगा, फिर लोअर, फिर और लोअर। अब इतना तो आप सभी को पता होगा कि 40 साल किसी के लिए नहीं होती। ठीक है, तो आप 40 तो याद रखेंगे नहीं, आप खुद अंदाज़ लगाएंगे यार कि एक तो 35 है, एक 30 है, एक 25 है, इनमें से आपको कन्फ्यूजन होगी। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा 5 कम करके, फिर उससे छोटा 5 कम करके। ठीक है, तो ऐसा आपको ये जो है इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप सही ऑप्शन पर टिक लगा के आएंगे जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये तो थी इस ट्रिक की बात। अब इसके अलावा कुछ आपको एडिशनल जानकारी दे दूं। देखिए, अगर आपको मेंबर ऑफ पंचायत बनना है, ठीक है, या फिर नगर निगम का मेंबर बनना है, तो उनके लिए एज होती है 21 साल। वोटिंग की एज भारत में कितनी है? 18 साल। आप फैक्ट्री में अगर काम करना चाहते हो तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी है? 14 साल। जी हाँ, 14 साल। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद 14 साल हुई है। उसके अलावा जो RTE है, राइट टू एजुकेशन है, वो कितनी एज ग्रुप पर अप्लाई होता है? तो देखिए, ये अप्लाई होता है 6 से लेके 14 साल तक। ठीक है, तो
तो 6 से लेकर 14 साल तक। उसके अलावा एक बचता है MLC, MLC बहुत कम लोग जानते होंगे। देखिए जैसे सेंटर में होती है लोकसभा राज्यसभा, इसी तरह कुछ कुछ स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद की संरचना की गई है। तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, कुछ ही राज्यों में है, ठीक है। तो जिन विधान परिषद को ही इंग्लिश में MLC कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसकी एज भी 30 साल रखी गई है। लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामों में नहीं आता, इसलिए मैंने इसे उस इस ट्रिक में नहीं लिया, ठीक है। लेकिन ये कुछ एडिशनल नॉलेज थी मेरे को आपको देनी थी, होपफुली आप सबको पता होगी, ठीक है। और ये ट्रिक बहुत आसान है। PG रस्ते में, P से क्या होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, G से गवर्नर, R से है मेंबर ऑफ राज्यसभा, और M से है MP या फिर MLA, ठीक है। 35, 30, 25। चलिए ठीक है, वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ भी आपको एक नंबर तो कम से कम बचेगा इससे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं ऐसी वीडियो आगे और बनाता रहूँगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।